तो दोस्तों टाटा हैरियर जो है अपने सेगमेंट की बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है और इस गाड़ी का जो एक नया फेसलिफ्ट आने वाला है ये खबर जो है बहुत दिनों से हमारे कानों पर आ रही थी और अभी जो है गाड़ी को फाइनली स्पाइक किया जा चुका है। गाड़ी जो है हमको बहुत से नए फीचर्स के साथ में मिलने वाली है, तो दोस्तों जानेंगे इसी फीचर्स को, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों हम स्पाई इमेजेस की जो है पहली इमेज में देख सकते हैं कि गाड़ी का जो ओवर व्यू है उसमें हमको कैमरा क्लियरली विजिबल हो रहा है, यानी कि हमको टाटा हैरियर में जो है 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है, ये बात जो है कंफर्म हो चुकी है। और दोस्तों गाड़ी के जो कॉम्पिटिटर्स है XUV700 वगैरह इसके कम रेंज की जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी हमको अभी ये फीचर जो है वो मिलने लगा है, तो इस गाड़ी में फीचर जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी था और अभी जो है टाटा हैरियर में हमको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। दोस्तों दूसरे स्पाई शॉट की बात करें तो इंटीरियर में जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम को कवर किया गया है, क्योंकि इसमें जो है हमको इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी बहुत ही बढ़िया सा अपग्रेड मिलने वाला है। पहले जो है हमको हैरियर में 8.8 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती थी जो कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड और स्लो हो गई थी, लेकिन अभी जो है इसमें हमको बड़ी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाली है और इसमें जो है साइज़ हमको अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन ये जो इंफोटेनमेंट है ये ज़रूर अपग्रेड होने वाली है, ये भी बात 100% कन्फर्म हो चुकी है। दोस्तों गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो गाड़ी में जो है मेजर हमको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। नॉर्मल से हमको ग्रिल या फिर बम्पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बाकी गाड़ी का जो लेआउट वगैरह है, हेडलैम्प्स का डिज़ाइन है, हमको सारा सिमिलर ही देखने को मिलने वाला है। और एक इसमें बड़ा अपग्रेड आने वाला है वो है गाड़ी का नया पेट्रोल इंजन। दोस्तों इस गाड़ी में जो है हमको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल सकता है और ये जो इंजन है बहुत ही बेहतरीन भी होने वाला है। इस पर बहुत दिनों से टाटा मोटर्स जो है वो वर्क कर रही है और दोस्तों मैं भी जो टाटा मोटर्स में वर्क करता हूँ तो मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। तो दोस्तों ये जो इंजन है हमको 150 bhp तक की मैक्सिमम पावर हमको जनरेट करके दे सकता है। दोस्तों बाकी एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में जो है हमको ADAS एक्सपेक्टेड ज़रूर है, क्योंकि कंपटीशन की जो बाकी गाड़ियां हैं उसमें हमको बहुत ही बेहतरीन ADAS फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि XUV700 या फिर हेक्टर हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमको जो है हैरियर में भी ADAS के फीचर्स एक्सपेक्टेड ज़रूर है, लेकिन टाटा मोटर्स ये फीचर्स देती है या फिर नहीं ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। दोस्तों बाकी एक बढ़िया सी चीज़ के बारे में बात करें तो गाड़ी में हमको पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, तो गाड़ी की जो प्राइस है वो हमको भी थोड़ी कम देखने को मिल सकती है और दोस्तों जो डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स वगैरह है उसमें हमको थोड़ी बहुत हाइक भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे टाटा हैरियर के फेसलिफ्ट के कुछ लीक इमेजेस और उनके स्पाई से निकल कर आई हुई इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कीप सपोर्टिंग।